दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका साइज है 38x53 फिट। हमारे एक पेड यूजर हैं और उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया, उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया जिसका साइज है 38x53 फिट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट में डोर है और ये साइड में जो गेस्ट रूम है उनके लिए विंडो और ये डोर यहाँ पर दिया है। तो ये दो भाइयों के लिए बिल्कुल इक्वल पार्ट में मकान क्रिएट किया गया है। दोनों अगर कभी भी भविष्य में अलग होना चाहते हैं तो सेपरेट हो जाता है, तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जो कि 38x52 है और इनका चारों तरफ ओपन स्पेस है 2 फिट का, इसलिए इन्होंने विंडो चारों तरफ और वेंटिलेशन वगैरह लगा रखा है। बैक में भी इन्होंने एक डोर दिया है जिससे उनका जगह पीछे पड़ा होगा जहाँ पर वो एंट्री कर पाएँ। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो ये प्लान पूरा आप देख पा रहे हो, इसे जूम करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जिससे इसका रियलिस्टिक व्यू आपको देखने को मिले। इसका रेलिंग वगैरह का ये देखिएगा, रेलिंग का इसका रियलिस्टिक व्यू जो कि स्टील का क्रिएट किया गया है दोस्तों। ये देखिएगा नॉर्मल सा रेलिंग है, ज़्यादा मैंने ओवर बजट क्रिएट नहीं किया है। चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री है और रेलिंग। और अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका देखिए मेन डोर होगा जी, यहाँ पर स्लोप दिया है जहाँ से आप जा पाएंगे, ये बारंदा है, ये स्टेयर्स है। और ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। आप देखें जैसे आप आते हैं तो सबसे पहले ये दोनों इक्वल पार्टों में देखिए डिवाइड आपको दिख रहा होगा, जितना इस तरफ उतना उस तरफ सेम टू सेम है। तो इस तरफ आपको पहले एक गेस्ट रूम मिलता है जिसके लिए विंडो और डोर अंदर से मैंने दिया है, सेम टू सेम बिल्कुल राइट हैंड साइड पर है मेन डोर। ये एंट्री करते हैं अब जैसे, तो ये आपको बड़े से मास्टर बेडरूम 2 मिल जाते हैं जो कि इस साइड है, इसका भी साइज आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद फिर से आप एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं जहां से एक फिर से आपको बेडरूम मिलते हैं 2। और उसके जस्ट पीछे आपको ये वाला एरिया भी आपको देखिए यहां पर देखने को मिल जाता है बड़ा सा। और ये आपका एक लेटेंट बाथ मिलता है, ये आपका एक यहाँ पर अगर बात करें किचन, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर किचन ये उन्होंने अपना क्रिएट करवाया है। तो यहाँ पर आपको बात करें एक बेडरूम 2 3 3 बेडरूम एक साइड हैं और 3 दूसरी साइड, और एक किचन एक लेट बाथ वगैरह, और ये देखिए स्टेयर्स है जिससे आप यहाँ पर चढ़ पाएंगे। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर की बात करें, सिमिलरिटी बिल्कुल देखिए आप जैसा इस तरफ है वैसा सेम उस तरफ है। तो कभी भी अगर कभी बंटवारा वगैरह होता तो आपका प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सिंगुलर बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से दोनों का इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वही बेडरूम फ्रंट वाले में एक बेडरूम यहाँ पर क्रिएट है, वहाँ पर भी क्रिएट है। और अगर हम डोर की बात करें तो इस हॉल से डोर यहाँ पर दिया इस बेडरूम के लिए, देखिएगा इसका यहाँ से और इसका यहाँ से। तो पूरा ओवरऑल ये आपका 38x52 में मॉडल क्रिएट है। अगर पीछे की बात करें बैक की, तो मैंने वेंटिलेशन दिया है जिससे जो क्योंकि बाथरूम है पीछे तो 8 फिट पे वेंटिलेशन, 7 फिट पे है, और ये डोर पीछे आने के लिए, और चारों तरफ विंडो जहाँ पर बेडरूम है किचन है वहाँ पर विंडो साइड में दिया है जिससे वेंटिलेशन होता रहे। तो 38x53 फिट में पूरा ये मॉडल क्रिएट मैंने किया है। जैसा भी आपको लगा हो हमें ज़रूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसका फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है जो 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री, और ये स्टेयर्स को ढकने के लिए बना दिया है मैंने, दोनों का सेपरेट कर दिया है दोनों लोगों के लिए, जब भी कभी आप ऊपर आएंगे तो अपना फ्लोर पर यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। तो ये पूरा 38x53 फिट में मॉडल बन के रेडी हुआ है, कैसा लगा हम आप हमें ज़रूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।